मम वृत्ति हृदय ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पति ही त्वानि युनक्तु मह्यम। जब गुरु के साथ एककार हो जाते हैं तो सारा अंधकार मिट जाता है और गुरु के प्रतिरूप हो जाते हैं। गुरु के व्रत के साथ, गुरु के संकल्प के साथ, गुरु के लक्ष्य और ध्येय के साथ एककार हो जाते हैं। मम व्रते हृदय ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। चित्त चेतना भाव सब कुछ एक तरफ प्रवाह, जिसे सिद्धे गुरुदेव कहते हैं नदी की तरफ बहते रहो, रास्ता मिल जाएगा। चरैवेति जब तक दम में दम है बेदम नहीं। चलने का नाम ही सतयुग है, कली शयानो भवति, सोने का नाम ही कलयुग है। कृतम संपद्यते च, और भगवान भी भिखारियों को उन्हें अधिकारियों को देता। वो तो कब से बाट जो रहा है हमारी, ऐसे कपाल भांति अनुलोम विलोम प्राणायाम ना भाव पूर्ण हृदय से करना, भाव समाधि लग जाएगी। भाव समाधि, निर्बीज समाधि, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, गुणातीत समाधि, भावातीत समाधि, इस सब समाधियों के बारे में आपने सुना है। ये भाव समाधि 24 घंटे ब्रह्म भाव में जीना, और मैं तो इसमें जीता हूं इसलिए आपसे कहता हूं बड़ा आनंद है इसमें। माता में, पिता में, गुरु में, मातृभूमि में, हर जगह उस प्रभु का दर्शन। मेरा काम उसकी पूजा है, मेरा हर काम उसकी पूजा है। सब मेरे साथ बोलेंगे श्री श्री कर्मणि अभिरताः। ये जीवन का सूत्र है, मंत्र है, याद कर लो। स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः सत्संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवः, अपने काम के द्वारा उसकी पूजा कर। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नर, अपने अपने काम में जो लगा हुआ, इसी को स्वकर्म को ही स्वधर्म बोलते हैं। स्वधर्म निधनम श्रेय, हमारी सेनाओं में भी लिखा हुआ है, गनीमत है सेनाओं में अभी ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षता नहीं गई। नहीं तो वहां से भी बोले गीता का श्लोक हटाओ यहां से, महा गफलत। स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः सत्सिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवः। सब लोगों को बताना, व्याधियों को मिटाना है, समाधि को पाना है। अरे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पिंड में, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। ये जो आपको पुस्तकें दी जा रही है ना, नीति श्लोक संग्रह, योग दर्शन, गीता सार, गीता में सारे, गीता के यो तो बहुत श्लोक है, लेकिन यो तो एक एक श्लोक में ही वो सारा सत्य है जो सारी गीता में, और गीता का एक श्लोक, एक एक श्लोक बहुत सार गर्भित है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ऐसे ही वेदोपनिषद, इसमें वेदों के और उपनिषदों की जो मुख्य शिक्षाएं हैं, और वेदों का ज्ञान बहुत व्यापक बहुआयामी, ज्ञान विज्ञान से लेकर के परमाणु से लेकर के परमेश्वर पर्यंत सब कुछ का ज्ञान वेदों में। उपनिषदों में की जो ब्रह्म विद्या है बहुत ऊंची है, और अब सबको इधर ही तो लाना है। ये सब पुस्तकें आप अपने पास में रखना, और जहाँ भी कहीं आप योग सिखाते हैं वहाँ एक मंत्र की व्याख्या लोगों को बता देना कि भाई ये है हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी परंपरा, ये है हमारे पूर्वजों के आदर्श, और ये है वेदों के आदेश। वेदों के आदेश माने भगवान के आदेश, ये है
भगवान की वाणी, वेदों की वाणी, गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी, ऋषियों की वाणी, कोई फर्क नहीं है। जो उस प्रभु के साथ एककार हो जाते हैं वो प्रभु जैसे ही हो जाते हैं, वो भगवान के जीवंत स्वरूप बन जाते हैं। उनके मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान उतरने लगता है, उनकी आँखों में दिव्यता आ जाती, दिव्य दृष्टि से संपन्न हो जाते हैं, उनके कर्म दिव्य कर्म हो जाते हैं, मानो उनके माध्यम से सब भगवान काम करता हो, निमित्त मात्र हो जाते हैं, निमित्त मात्र भव सभ्य साचे। उनकी वाणी से स्वयं भगवान बोलने लग जाते हैं, उनकी वाणी में स्वयं ब्रह्म उतर आते हैं, उनकी वाणी ब्रह्मगवी हो जाती है, भगवान की वाणी हो जाती है। भागवत ज्ञान, भागवत दृष्टि, भागवत कर्म, भागवत वाणी, भागवत जीवन, इसी को दिव्य जीवन नाम कुछ भी दे दीजिए। प्राणायाम योगाभ्यास करते करते सबको बताना, आओ जीवन को अब दिव्य जीवन बनाना है, यही योग का फल है। पशुता से, जड़ता से मनुष्यता, देवत्व, अतिमानवत्व की ओर आरोहण करना, मानव के भीतर के महामानव को, पुरुष के भीतर के महापुरुष को जगाना, उसको मानवीय विकास के उस उच्च शिखर तक लेकर के जाना, उस पराकाष्ठा पर लेकर के जाना, उस चरम तक लेकर के जाना जिसके लिए यह मनुष्य का जन्म मिला है। सब प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, उसकी जो रचना है शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, चित्त चेतना की दृष्टि से, वो तो कर्म की दृष्टि से ये तो सबसे ऊंची योनि है। कर्म की दृष्टि से कहें तो ये देखो, पशुओं की योनि केवल भोग योनि है, कुत्ता यदि रखवाली करे तो उसको बहुत पुण्य नहीं मिलता, और यदि काट खाए तो उसको पाप नहीं लगता, वो तो भोग भोगने के लिए आया हुआ है। गाय लात मार दे तो भी कोई पाप नहीं, दूध दे तो भी कोई पुण्य नहीं। सारे जितने भी पशु हैं ये सब भोग योनियां हैं, लेकिन मनुष्य ये भोग और कर्म दोनों है। जो करोगे उसका कई गुना होकर के मिलेगा, इसलिए ये बात को याद रखना, ये उभय योनि है। इस ये जीवन हमारे लिए वरदान भी और अभिशाप भी है। मनुष्य बनकर के भी पशुओं जैसा आचरण करोगे, कुछ बोलते बाबा जी पशुओं जैसा आचरण क्यों करते हैं, मैंने कहा ये पशुओं की योनि से प्रमोट होकर के नए नए आदमी बने। आदमी जब नया नया आदमी बनता है ना, कुत्ते की योनि से प्रमोट होकर के आता है कुतिया की योनि से, तो भय भय करता है, ऐसे नहीं होने दूंगा। समझ लो नया आदमी बना है, पहले कुत्ता था। जो हर आदमी के किसी के काम में टांग अड़ाता है ना, तो समझ लेना गधे से प्रमोट होकर के आदमी बना है, दोष क्या है इसका बेचारे का, लात तो मारेगा। ये सब ऐसे, ये जो अभी जो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी है ना, ये जो बहुत ज्यादा कामी होते हैं ना, तो समझ लो वो भी कुत्ते की योनि से प्रमोट होकर के आए हैं। और जो सारा खजाना देश का लूट के बैठे ना, सांप नो नागदेव हैं सारे, सांपनाथ नागनाथ। कोई चींटी की योनि से है, चींटियाँ इकट्ठा करके लाती हैं अभी, फिर बरसात में अपने वो उन सब उनका बह जाता है। तो ये सब कोई मधुमक्खी था, ये मधुमक्खियाँ भी इधर उधर से लाती, फिर छत्ता कोई तोड़ के ले जाता है, वो देखते रह जाती हैं। तो सारी मधुमक्खियों ने, इन सारी चींटियों ने, सारे नागों ने जो संपत्ति जमा कर रखी है वो जल्दी अपने को मिलने वाली है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो सारे पशु योनि के पशुता का आचरण कर रहे हैं। तो लेकिन सुनो, अपने को मनुष्यता को नहीं छोड़ना, ये पीछे की जो संस्कार है ना वो पीछे खींचते हैं, पीछे का मतलब ही है पीछे खींचना। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर बढ़ते हैं फिर वापस वहीं आ जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं फिर वापस ही पिछले जन्म के संस्कार खींच के ले आते हैं। खींचा तानी चलती रहती है, रस्सा कसी चलती रहती है। आपने सुना होगा ना, बनारस में कुछ लोग भांग खा करके और बैठ गए नाव में, दे चप्पू पूरी रात चप्पू चलाया। जब सुबह हुई तो थोड़ा रोशनी सी दिखाई दी, बोला हाँ आ गए अब इलाहाबाद में। बाद में देखा था, बोले वहीं के वहीं है। बोले हुआ क्या, सारी रात चप्पू चलाए? बोले रस्सी खोलना भूल गए। वो भंगड़ों की तरह हम भी
पिछले जन्मों के कुसंस्कारों से बंधे हुए हैं, इसलिए गुरु के संग में आकर के भी कई बार हम उसी पुरानी रस्सी से बंधे रहते हैं। जब तक वो आग्रह की रस्सी नहीं टूटेगी तो गुरु की शरण में आकर के भी तुम्हें शक्तिपात नहीं होगा, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम्हारी सदगति नहीं होगी। इसलिए पुरानी रस्सी काटो। इसलिए मैंने कहा था पुराने आग्रहों से मुक्त हो जाना। गुरु का पहला रूप क्या है? आचार्यो मृत्युर्वरुणाः सोम औषधयापयः जीमूता संसत्वाना तैरिदम सरावृतम। कपाल भाती हो गया तुम्हारा पूरा, तो चलो भाई ये प्राणायाम करा देते हैं। गुरु शक्तिपात करते हैं। गुरु का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, सत्य में मन को टिकाओ और कपाल भाती बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम करो। अपने आप भीतर से इतनी शक्ति इतनी ज्योति मिलेगी, तुम उसमें प्रकाशित हो जाओगे, तुम कह उठोगे प्राप्तम प्राप्यम क्षीण क्षेत्रव्य क्लेशा छिन्न श्रेष्ठ पर्वाभाव संक्रमा यस्य अविच्छेदात जायते धृत्वा चम्रियते।